फॉर्मूला हम देखो, ये ना दो शीट, दो दो फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल। म्यूचुअल की यानी अगली बार करना है, आज सिर्फ सेल्फ है। तो सेल्फ इंडक्शन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, तो एल बताओ, इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, तो ये क्या गिवन है, ये आपको फाई गिवन है, करंट गिवन है, आपको एल निकालना है। तो एक ही फॉर्मूला आपको आता है, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। तो फाई और आई डिवाइड करके एल की वैल्यू आएगी, और यूनिट्स इसके एल के क्या होते हैं, हेनरी, तो पीछे क्या लगेगा, एच, एच फॉर हेनरी। पहला क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, कैसे करना है, फाई इज इक्वल टू एल आई, आई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 200 टर्न कॉइल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, सेल्फ इंडक्शन 20 मिली हेनरी है, तो क्या गिवन है, कैपिटल एल, 20 × 10⁻³ हेनरी। कैरी द करंट ऑफ, आई पता है, एल पता है, आई पता है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं खुश हो गया, मैंने कहा फाइव इक्वल टू एल आई ना, उसने मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा ईच टर्न का। मैंने आपको टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया, एल आई, ये टोटल फ्लक्स है ऑल टर्न्स का। तो तुम्हें क्या पूछा गया, पर टर्न, तो टोटल फ्लक्स को एन से डिवाइड, एल पता है, आई पता है, एन पता है, तो फ्लक्स आ जाएगा पर टर्न। क्लियर है यहां तक, तो अगर एल इंटू आई निकालते हैं तो टोटल फ्लक्स है, एल आई को नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करते हैं तो पर टर्न का फ्लक्स है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेट ऑफ चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता होता है पेपर, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है डी आई बाई डी टी, करंट अपॉन टाइम, डी आई बाई डी टी गिवन है, क्या कह रहे हैं, ई एम एफ 20 mV है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड। अब मुझे पता लग गया, डी आई बाई डी टी का एक ही तो फॉर्मूला आता है मुझे, ई इज इक्वल टू माइनस डी एल एल इंटू डी आई बाई डी टी। आपको क्वेश्चन में डी आई बाई डी टी गिवन है, आपको क्वेश्चन में ई एम एफ पता है, तो आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लें, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप कहेंगे माइनस नहीं लिया, याद रखना जब भी आपको क्वेश्चन में कभी एल निकालना हो, एल माइनस मत लेना कभी, क्योंकि एल कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो बस मैग्नीट्यूड लेना है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ई एम एफ आपको पता है, डी आई बाई डी टी आपको पता है, आंसर हेनरी में छोड़ दो तो भी चलेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत आते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है कनेक्टेड टू 6 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम, 10 हेनरी का कॉइल है, क्योंकि जब इन सोलेनोइड है उसका आर भी होता है, उसका एल भी होगा, अब दोनों चीजें होती हैं। थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कॉन्स्टेंट करंट थ्रू दी सर्किट, इंपॉर्टेंट, कौन सा करंट है, कॉन्स्टेंट है भाई, जब करंट कॉन्स्टेंट है तो मेरे को एल का यहां पर कोई काम नहीं है, जब करंट ही कॉन्स्टेंट तो सेल्फ इंडक्शन तो होगी नहीं, तो इसकी बात कर क्यों रहा है, मुझे एल चाहिए नहीं है। पहला केस समझ में आ रहा है, तो करंट अगर कॉन्स्टेंट है तो स्टेडी करंट क्या होगा, 12.62 एम्पियर करंट है, क्योंकि एल का यहां पर कोई रोल नहीं है फर्स्ट केस में। लेकिन अगला केस कह रहे हैं, इफ इट टेक्स 1 मिली सेकेंड टू ओपन द स्विच, स्विच ओपन करना समझते हो, स्विच बंद था तो सर्किट क्लोज था, स्विच ओपन हो गया सर्किट टूट गया, ओपन का मतलब है सर्किट का टूटना, सर्किट टूट गया करंट बंद हो गया, तो सर्किट टूटने का मतलब, स्विच ओपन करने का मतलब करंट का क्या होना, जीरो, खत्म कर दिया करंट। अब इंडक्टर जाग जाएगा, वो कहेगा अच्छा मेरा करंट कम हुआ, अब एल का काम है, स्टडी में एल का काम नहीं है, अब एल का काम है। करंट इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, देखो फाइनल करंट जीरो है, तो डी आई बाई डी टी में फाइनल जीरो है, इनिशियल क्या था, दो था, टाइम आपको पता है 1 मिली सेकेंड है, तो ये करेक्शन करो +3 आएगा, यहाँ पे डी आई बाई डी टी आ गया, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी में एल आपको पता है, डी आई बाई डी टी आपको पता है, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है कि रूल क्या है, जब आप स्विच को उठा के फेंक देंगे, जिसको बोलता है सडनली ओपन, स्विच ओपन ऐसे होता है, देखो ये स्विच है ना, ये स्विच है, ये ओपन है, ओपन मतलब ब्रेक है, स्विच क्लोज है बंद हो गया, ऐसा है, समझ में आ रहा है, ओपन का मतलब आपने कनेक्शन ब्रेक करना है, कोई डाउट इसमें। तो समझ में आ रहा है कि जब स्विच ओपन करेंगे कनेक्शन ब्रेक करने का मतलब आई की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। हाँ एंड में एक लाइन कमेंट्स के लिए लिखी हुई है, भाई ऐसा करंट अगर पैदा, ऐसी वोल्टेज 20,000 वोल्ट, यहाँ 220 में बंदा मर जाता है, 20,000 वोल्ट, मतलब स्पार्क तो बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा है, जल जाएगा सर्किट में बता रहा हूँ,
सह ही नहीं पाएगा, हीटिंग हो जाएगी ना, उड़ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी आप करंट को जीरो नहीं कर सकते, करंट जीरो करना बहुत डेंजरस है मशीन्स के अंदर। तभी तो इंडक्टर लगाए जाते हैं कि फटाफट वो लड़ाई कर लेगा, करंट जीरो नहीं होने देगा, वहाँ सेफ्टी है। सही है। एन इंडक्टर 5L गिवन है, कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ, स्टेडी का मतलब कॉन्स्टेंट करंट 2 एम्पियर है। हाउ कैन 50 वोल्ट सेल्फ EMF, यानी कि EMF कितनी पैदा करवानी है 50 वोल्ट, कैन बी प्रोड्यूस इन एन इंडक्टर? तुम वोल्टेज बढ़ा तो सकते नहीं भाई, तुम करंट तोड़, करेक्शन तोड़ दो। करेक्शन तोड़ने का मतलब करंट एकदम क्या करना, जीरो, तो EMF पैदा हो जाएगी। तो यानी कि इस केस में क्या करेंगे, DIMF, आप करंट सर्किट को तोड़ दो, पहले 2 एम्पियर करंट था तो DI आ गया, तो EMF कितनी पैदा करनी है 50 वोल्ट, L आपको पता है, DI आपको पता है, टाइम इतने टाइम में पैदा होगी। तो एंड में लिखना है कि 50 वोल्ट पैदा की जा सकती है जब आप करंट को जीरो कर देंगे, कितने समय में, 0.2 सेकंड में। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये सारा गेम करंट को जीरो करने का, जब स्टेडी करंट होता है उसके बाद करंट हमेशा जीरो ही किया जाता है नॉर्मल क्वेश्चंस में। जैसे व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन एयर सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एल, एल की वैल्यू क्या होगी एयर कॉइल सोलेनोइड की, जिसकी लेंथ पता है और रेडियस पता है और नंबर ऑफ टर्न्स पता है। एल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो यार, म्यू नॉट पता है, एन पता है, एरिया पता है, एल पता है, और एरिया को क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आंसर हेनरी में आंसर आएगा। इतना सामान दे के रखेगा तो एल ही पूछेगा, एन ए एल, तो एन एच एल निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, यहाँ तक। एयर कोर सोलेनोइड विद लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मतलब बात तो से पता लग रहा है कि पहले एल निकालना पड़ेगा बड़े से फॉर्मूले से। कैरी द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, करंट सडनली स्विच ऑफ, क्या कर दिया, जीरो। टाइम पता है, कितनी बैक EMF जनरेट हुई, बैक EMF मींस इंड्यूस्ड EMF। तो इसमें क्या करना है, बैक EMF का फॉर्मूला E इज इक्वल टू -LdIdt, और L का ये बड़ा सा फॉर्मूला हमने किया हुआ है, आपको DI आपको क्वेश्चन में पता है, पहले करंट 2.5 था, फाइनल क्या हो गया, जीरो। तो चेंज इन करंट जीरो माइनस 2.5, DI पता है, टाइम पता है, म्यू नॉट पता है, N पता है, एरिया पता है, और L भी पता है, आंसर। ठीक समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन कैपिटल है, म्यूचुअल इंडक्शन के हैं, वो नहीं आज हमने करने हैं।